Good morning children. Today I would like to repeat few of the lines of the previous topic, continuing with the first chapter. The most important advantage of map is that we can draw up part or the whole of the earth on a map. तो सबसे इंपोर्टेंट एडवांटेज जो माप का होता है कि या तो हम पूरे अर्थ को भी ड्राउ कर सकते हैं या अर्थ के किसी भी पार्ट को भी ड्राउ कर सकते हैं माप में. Many details can be shown on such a map और काफी डिटेल्स भी हम माप में दिखा सकते हैं. अब आते हैं यूजेस ऑफ मैप्स मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल आ लाइफ मैप्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं स्टूडेंट्स या फिर आम आदमियों के लिए या फिर आम लोगों के लिए दे आर वेरी यूजफुल टू टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स ये काफ़ी यूजफुल होते हैं पर्यटक या फिर ट्रैवलर्स के लिए जो भिन्न भिन्न जगहों को ट्रैवल करते हैं दे आर ऑल्सो यूज बाई द डिफेंस पीपल ये मैप्स भी यूज़ किए जाते हैं डिफेंस यानी कि आर्मी लोगों के द्वारा भी मैप्स आर यूजफुल इन बोथ प्लानिंग एंड डिफेंस एज वेल एज अटैक्स मैप्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं प्लान एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफेंस यानी कि आर्मी के द्वारा या फिर अटैक्स एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्लानर्स टू ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉमेशन प्रोवाइड करते हैं प्लानर्स के लिए भी प्लानर्स यानी जो सिटी प्लान करते हैं

काफ़ी तरह के मैप्स होते हैं जो तीन बेसिक कैटेगरीज के मैप हैं सबसे पहला पॉलिटिकल मैप्स द मैप शोइंग जो मैप बाउंड्रीज सीमाएं एंड एरियाज पूरी एरिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स एक कंट्री के पूरे एरिया या फिर स्टेट के पूरे एरिया के बारे में बताएं आर कॉल पॉलिटिकल मैप्स इस तरीके के मैप को हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं फिजिकल मैप्स सम ऑफ द मैप्स दैट शो द फिजिकल फीचर्स सच एज द कॉन्टीनेंट्स एंड ओशंस कुछ मैप्स जो फिजिकल फीचर्स जैसे कि कॉन्टीनेंट्स ओशंस द माउंटेन्स प्लेन्स माउंटेन्स प्लेन्स और प्लेट्यूज के बारे में बताएं इस तरीके के मैप को हम फिजिकल मैप्स कहते हैं अब आते हैं थीमेटिक मैप्स डीज आर द मैप्स दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर फीचर्स ओनली सच एस टाइप्स ऑफ वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट ये मैप्स होते हैं जो पर्टिकुलर फीचर्स को रिप्रेजेंट करें जैसे कि वेदर के टाइप्स या फिर किस तरीके के फॉरेस्ट की अवेबिलिटी है इंडस्ट्रीज कैसे हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताएं उन्हें हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं द मैप्स आर गिवन सूटेबल नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज शोन बाई देम तो इन मैप्स का इन मैप्स को नाम दिया जाता है उस बेसिस पे जिस बेसिस पे वो फीचर्स या फिर किसी पर्टिकुलर फीचर्स को रिप्रेजेंट करें उस बेसिस पे उन्हें नाम दिया जाता है मैप्स को नाम दिया जाता है लैंग्वेज ऑफ मैप्स टाइटल डायरेक्शन स्केल की एंड ग्रिड सिस्टम आर सम ऑफ द समर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप टाइटल डायरेक्शन स्केल की और ग्रिड सिस्टम ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं मैप के सबसे पहला टाइटल ऑल मैप्स हैव अ टाइटल व्हिच टेल्स द रीडर व्हाट द मैप इज अबाउट तो सारे मैप्स के कुछ टाइटल होते हैं जो हम जैसे पढ़ने वाले को बताते हैं कि मैप किस बारे में है डायरेक्शंस यू माइट हैव एन अपराइट एरो आपने ये देखा होगा कि एक ऊपरी तरफ एरो मार्क इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मैप ऑफ अ मैप आपने ये देखा होगा ऊपरी तरफ एक एरो मार्क किया हुआ है राइट हैंड कॉर्नर मैप के द टिप ऑफ द एरो इज ऑफन मार्क्ड विद लेटर एन और टिप ऑफ द एरो को ऑफन मार्क किया जाता है एन के द्वारा दिस एरो इंडिकेट्स व्हिच साइड ऑफ द मैप इज द नॉर्थ अब ये एरो बताता है कि कौन से साइड मैप का नॉर्थ साइड है इज द नॉर्थ साइड ऑफ द एरिया शोन ऑन द मैप नॉर्थ साइड ऑफ द एरिया होता है मैप का द एरो इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन और इस एरो को हम कहते हैं नॉर्थ लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ गिवन ऑन द मैप और जो कि हमें पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है मैप में जो कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में है ऊपरी तरफ द अदर थ्री मेन डायरेक्शंस बाकी जो तीन मेन डायरेक्शंस हैं जैसे कि द ईस्ट द वेस्ट एंड द साउथ कैन बी इजीली फाउंड तो बाकी जो तीन मेन डायरेक्शंस हैं जो कि द ईस्ट द वेस्ट एंड द साउथ आसानी से ढूंढे जा सकते हैं और ना मैप जनरली द नॉर्थ इज इंडिकेटेड अपवर्ड्स मैप में जनरली आमतौर पर नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मार्क किया जाता है बाय द टिप ऑफ द एरो बाय द टिप ऑफ द एरो से मार्क किया जाता है द साउथ इज़ डाउनवर्ड्स और साउथ निचले तरफ होता है द ईस्ट इज टू द राइट और ईस्ट होता है दाहिनी तरफ एंड द वेस्ट इज टू द लेफ्ट और वेस्ट होता है बाई ओर की तरफ दीज फोर मेजर डायरेक्शन आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास और इन मेन डायरेक्शन को हम कहते हैं द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास अ कम्पास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कम्पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच शोज द डायरेक्शन जो डायरेक्शन को दिखाता है बिसाइड्स द फोर मेजर डायरेक्शंस इन मेजर फोर डायरेक्शन के अलावा इंटरमीडिएट इन बिटवीन जो डायरेक्शन्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट द साउथ ईस्ट एक्सेट्रा कैन बी ईजीली शोन अब हम इस फिगर में देखते हैं मेजर डायरेक्शंस यहाँ पे ये एरो सबसे पहले ऊपरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और इस टिप ऑफ द एरो में इसे कहते हैं टिप ऑफ द एरो और टिप ऑफ द एरो में एन से मार्क किया हुआ है यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है निचला हिस्सा एरो का एस से मार्क किया हुआ है यानी कि ये साउथ डायरेक्शन है डाइनी तरफ ये एरो गया है यहाँ पे टिप पे पॉइंट आउट किया गया है ईस्ट यानी कि ई से यानी कि ईस्ट ये वाला हिस्सा ये वाला साइड बेस्ट अब इन चार मेन डायरेक्शंस के अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो इन बिटवीन डायरेक्शंस है वो क्या क्या हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट